देखिए विषुवत क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर समान दिन और समान रात होते हैं, यानी एकदम बराबर बराबर दिन बराबर बराबर रात होते हैं, ठीक है, ना छोटा रात ना बड़ा रात, ओके, यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं, इसे ही हम लोग विषुवत के नाम से जानते हैं, ठीक है।